भाकरोटा थाने की मुकुंदपुरा चौकी में गुरुवार को हेड कांस्टेबल बाबूलाल द्वारा आत्महत्या के मामले में सहमति नहीं बनने के कारण चौथे दिन खबर लिखे जाने तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी को लेकर जनता दरबार एक बार फिर पहुंचा धरना स्थल पर और परिवारजन और धरनार्थियों से की खास बातचीत, आइए आपको भी सुनाते हैं। लगातार तीन दिन से बाबूलाल बैरवा जी और उनका परिवार SMS हॉस्पिटल के मुर्दा घर के बाहर धरने पर बैठा है और सबसे बड़ी बात यह है कि तीन दिन से इनका एक जो डेलीगेशन है वो शासन से प्रशासन से मिल भी चुका है लेकिन नतीजा अभी भी जस का तस है। बाबूलाल जी की बॉडी अभी भी यहीं पर पड़ी है, पोस्टमार्टम उसका नहीं हुआ है। समाज के लोगों का, परिवार के लोगों का यही कहना है कि जब तक जो भी आरोपी हैं, जो चार मुख्य आरोपी हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा, समुचित न्याय जब तक परिवार को नहीं मिलेगा, ये लोग यहीं पर ऐसे ही धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। हमारे साथ समाज के कुछ लोग भी मौजूद हैं। भाई साहब, आज लगातार तीन दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, कई डेलीगेशन जाके शासन से प्रशासन से बात भी कर चुके हैं लेकिन नतीजा अभी कुछ नहीं निकला। नतीजा देखो, ये क्या सरकार वर्सेज, मेरे हिसाब से अभी ये कोई बैरवा समाज का या कोई अनुसूचित जाति का आंदोलन नहीं रहा है। मेरे हिसाब से अब ये सर्व समाज 36 कौम का आंदोलन होने जा रहा है। मेरा मानना है कि सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान और जल्दी जल्दी इसका निस्तारण करें, क्योंकि जो सवा चार पाँच दिन हो गए मोर्चरी में रखा है, मानवता के नाते सरकार को कुछ सोचना चाहिए, मानवीयता दिखानी चाहिए और इस आंदोलन को तुरंत, मेरा मानना है कि जल्दी जल्दी सरकार के प्रतिनिधि आकर के यहाँ बात करें और जो भी यहाँ जो मांगे मान है डिमांड उनको पूरा करें और परिवार को संबल दें, क्योंकि जिनके घर में एक शव रखा हुआ है उनकी क्या गत हो रही होगी भगवान जानता है या वो खुद जानते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को जल्दी जल्दी ये मानवता दिखा करके इसका आंदोलन को समाप्त कराएं और इनकी मांगे मान लीजिए। समाज के कई और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, लगातार तीन दिन हो गए, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और धीरे धीरे समाज के लोगों की और अन्य समाज के लोगों की भी बाबूलाल जी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ संख्या भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, आज चौथा दिन है और अभी तक हमें हमारे भाई को न्याय नहीं मिला है और अभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने भी आह्वान किया है कि वो भी जल्दी समय रहते यहाँ पहुँचेंगे अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता है। यहाँ जो पुलिस प्रशासन है और जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो उन लोगों ने अभी तक इसको बहुत हल्के में ले रखा है, क्योंकि ना तो कभी अभी तक कोई SDM ADM इस तरह का भी कोई पदाधिकारी यहाँ अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है और खाली पुलिस के जो कुछ आला अधिकारी जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है उन लोगों को उन्होंने आगे कर रखा है, बाकी कोई हमारी यहाँ इस भाई को न्याय दिलाने के लिए कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। यहाँ तीन दिन, आज चौथा दिन है, बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात यहाँ डटे हुए हैं। जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से बिल्कुल भी कतई नहीं हटेंगे। आपने देखा, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक बाबूलाल जी और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा ये लोग ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार का दुखद घटनाक्रम बाबूलाल बैरवा जी के साथ में घटित हुआ है वो वाकई अपने आप में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि परिवार के लिए दुखदाई है और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग और परिवार के साथ साथ अब सर्व समाज भी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है उनको न्याय दिलाने के लिए जानना चाहेंगे। भाई साहब, अब धीरे धीरे सर्व समाज के लोगों की भी संख्या धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जा रही है न्याय दिलाने के लिए, क्या कहना है? देखिए, संख्या अभी जो ये जनसैलाब आप देख रहे हैं ये तो बहुत कम है, लोग अपने घरों से निकल चुके हैं, राजस्थान के कोने कोने से निकल चुके हैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, पीड़ित परिवार की न्याय की आवाज़ को उठाने के लिए। देखिए, आज चौथा दिन है, सरकार की तरफ से हमारे बीच में कोई नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं है, कोई विधायक कोई नेता नहीं है। सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है प्रेमचंद जी, जो कि अभी तक परिवार से इनकी सूद तक नहीं ली है कि इनकी हालत क्या है, इनके बीच में आना चाहिए था
परिवार के हालचाल जानने चाहिए थे, इनका सहयोग करना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का ना तो उनकी तरफ से कोई बयान आया है, ना सरकार की तरफ से कोई बयान आया। हमें कहा जाता है, जैसे कल हमारी वार्ता हुई थी कमिश्नर साहब से, तो कहा गया कि हम एपीओ कर देंगे अधिकारियों को। हम कहते हैं एपीओ न्याय नहीं है। कुछ माध्यम से हमारे पास में आते हैं कि आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा, हम नौकरी भी लगवा देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सटीक न्याय की जो परिभाषा है, ये जो पैसा नौकरी ये परिभाषा नहीं है। हम कह रहे हैं जिसकी वजह से, जिन अपराधियों की वजह से हमारा व्यक्ति मारा गया है, मौत को गले लगाया है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वही न्याय की परिभाषा है, उसका सही अर्थ न्याय का वही है। कि इन तमाम लोगों का यही कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और जो भी उपयुक्त सजा हो, जांच में जो भी दोषी पाए जाए उन्हें उपयुक्त सजा मिले, और जल्द से जल्द समाज के लोगों की, सर्व समाज के लोगों की जो यहां पर धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं, आज लगातार चौथा दिन है, यहां से ये एक ही आवाज़ में एक ही मांग उठा रहे हैं कि बाबूलाल जी बैरवा के जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे उन्हें डाला जाए, और जो भी सजा कानून के मुताबिक उनको दी जा सकती है वो दे। और सरकार से, प्रशासन से भी इन लोगों की यही एक अपील है कि परिवार को संबल देने के लिए जो भी उचित कदम सरकार की तरफ से उठाए जाए वो जल्द से जल्द उठाएं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।